उम्र जो है ना बस सबसे बरसती है, मतलब शी इज हर वक्त जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती सरबजीत से वो चैन से बैठने वाले नहीं है। फिर कुछ भी मेहर करे या कुछ भी अमृता करे या कुछ भी सारे बच्चे करे उसका पारा चढ़ा रहता है। जब तक वो सरबजीत से उसका ब्याह नहीं करेगी वो ख़त्म, सारे घर वाले, सारे घर वालों की मौत। जी हाँ, इसीलिए वो ए सरबजीत को बताना नहीं चाहती और बी वो हर वक्त डरती रहती है और उसको ये डर रहता है कि सरबजीत घर आ जाएगा तो पता नहीं क्या फिर उसको राज खुल जाएगा, बस इसी चक्कर में कुलवंत कौर का पारा चढ़ा रहता है। जी किचन में जो है इमोशनल हो रहा था, कब अगेन किचन क्या हुआ था किचन में? किचन में बस ये वो आपने जैसे देखा होगा कि कैसे इसने मानव को मारा है तो वो सडनली नाइफ देख के उसको वो फ्लैशबैक याद रहता है कि कैसे माँ ने छुरी से, बिकॉज उसके उसने अपने आँखों से देखा कि माँ ने उसे मारा था। सो आई थिंक वो उससे दहशत में आके वो चीखने लगती है। जी सरबजीत का फ़ोन आता है क्योंकि वो महर से मिलना चाहता है। अब ये जो कुलवंत कौर है ये चाहती है कि घर में सब ठीक होए फिर सरबजीत आए, क्योंकि अगर वो महर को इस हालत में देखेगा तो वो भी यू नो शॉक हो जाएगा कि वैसे शादी करने वाली है या नहीं, वो भी कंफ्यूज्ड है। बट माँ नहीं चाहती है, माँ चाहती है कि जब सरबजीत आए शी हैज़ टू बी कॉन्फिडेंट कि यस शी विल मैरी सरबजीत। कुलवंत कौर सरपंच कैसे नहीं जीतोगी उसकी। थैंक यू मैम।